कल मुझे गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो नकली शराब कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगा के उसको नकली शराब को बाजार में बेचते हैं। रामगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के परसोटिया के एक एडबेस्टर शीट मकान से बड़े तादाद में विभिन्न ब्रांडों के नकली अवैध विदेशी शराब को बरामद किया गया। इस मामले में एसपी अजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बाजार में नकली शराब का सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रहा है। एसपी ने एक पुलिस टीम गठित की और पुलिस टीम ने वहां जाकर छापेमारी कर वहां से विभिन्न ब्रांडों के 96 बोतल नकली विदेशी शराब बरामद की। इसके साथ ही इस कारोबार में लिप्त एक व्यक्ति श्याम कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। कल मुझे गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो नकली शराब कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगा के उसको नकली शराब को बाजार में बेचते हैं। इस सूचना पे एसडीपीओ रामगढ़ और रामगढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में टीम को बनाई गई और उनके द्वारा ग्राम परसौतिया में छापेमारी की गई। वहाँ एक एस्बेस्टस के घर से सामान बरामद हुआ है जिसमें कि 96 बोतल शराब बरामद हुई है। इसके अलावा उनके पास से मैकडोनल्ड स्टर्लिन 8PM और कई ब्रांडेड कंपनियां रॉयल स्टैग इन सब कंपनियों के रैपर और बॉटल बरामद हुआ है। साथ ही उस बॉटल में सील किया हुआ शराब बरामद हुआ है और उनके द्वारा बताया गया है कि आसपास के क्षेत्रों से दूसरे जिले से ये लाके ये रैपर बॉटल और शराब लाके मिक्स करते हैं यहाँ पे और उसके ओरिजिनल शराब की कलर देके उसको मार्केट में कम कीमतों पे बेच देते हैं। और दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों का माहौल है, इसमें इस प्रकार के नकली शराब का सेवन करने से व्यक्तियों की जान जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, श्याम कुमार, जो कि यहीं का न्यू कॉलोनी बागीचा थाना रामगढ़ का रहने वाला है और इसमें जो लोग इसको सप्लाई करते हैं उस व्यक्ति की भी पहचान की जा रही है। मिनी शराब फैक्ट्री क्योंकि 100-150 बोतल है जो कि रेगुलर बेसिस पे ये बनाते थे और उतना ही बनाते थे जो कि एक दो दिन में इसको खपत किया जा सकता है। सील करने वाला भी सामान रखा हुआ है।